और दोस्तों मैं पहली बार फाइटर प्लेन देखने वाला हूँ, पहली बार आंखों के सामने फाइटर प्लेन देखूंगा। ये देखो ओरिजिनल है फाइटर प्लेन, ये पूरा ओरिजिनल है, देखिए ये फाइटर प्लेन। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेवन एन ब्लॉग में। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हो, जुम्मा मुबारक। तो दोस्तों अभी 8:15 बज गया है और जस्ट मैं रेडी हो गया हूँ। अफ़ान हम सब अभी ब्रेकफास्ट और चाय पिए हैं, पोहा और पोहा चाय। समारा यहाँ पे देखिए चाय पी के लेटी हुई है, अफ़ान भी ब्रेकफास्ट की है, तर्रू भी रेडी हुई है। अफ़ान तो आज आज है दरगाह का मेला, तो इंशाल्लाह अगर मैं जल्दी आ गया तो दरगाह का मेला आप सभी को दिखाएंगे। हम पहले पहुंच जाएंगे 4-5 बजे। इनका कैसा है कि उरस जब होता है तो जितने भी न्याजे हैं इनसे नहीं छुटेंगी इंशाल्लाह। अच्छे अच्छे लोग आते हैं उनके दर पे खाने, पर कहने का मतलब हमें अच्छा लगता वहाँ बैठना, नमाज पढ़ना और माहौल भी अच्छा लगता ना वहाँ का, बच्चे पब्लिक। तो ये शाम में हमें ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह 8 या 9 बजे तक आ जाएंगे। अगर आ गया दोस्तों तो ब्लॉग वो देखने का तो जरूर मिलेगा, अगर नहीं आ पाया तो आप समझ जाइएगा कि मतलब दरगाह पे नहीं पहुंच पाया, तो मुझे हो गया लेट और मैं चलता हूँ गाड़ी के पास, और ब्लॉग को एंड तक देखिए, देखते रहिएगा। और क्या बोलते कि उस पे नमाज को भी करते रहेंगे। ठीक है, बाय दरू। पैसे मेले में जाने के लिए दे दिया ना आपको, वही ले लेना। ठीक है, झूला झूल लेना। मुझे पर्स भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले सॉरी, सिमी और अफ़ान के मतलब मिलने के बाद, मतलब घर से निकलने के बाद में गाड़ी के पास आया, उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू ड्राइव करता रह गया तो आप लोगों को कोई अपडेट नहीं दे पाया। लेकिन अभी मैं बहुत अच्छी जगह आया हुआ हूं, तो मैंने सोचा वो जगह भी आपको आप सभी को दिखाता हूं। और दोस्तों मैं पहली बार फाइटर प्लेन देखने वाला हूं, पहली बार आंखों के सामने फाइटर प्लेन देखूंगा, जो कि मैंने अभी तक बचपन से, इतना बड़ा हो गया 30 साल का, लेकिन मुझे फाइटर प्लेन मैंने कभी जिंदगी में सामने से एकदम नजदीक से नहीं देखा था। वो देखूंगा और आप सभी को भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ बाहर उतर के मैं कहाँ पर। देखिए ये माउंट मेरी है, ये माउंट मेरी के पास है, ये सामने बैंड स्टैंड है, राइट साइड में शाहरुख खान का घर है, वो भी आप सभी को थोड़ा सा दिखाता हूँ चल के, और फाइटर प्लेन के पास चलता हूँ। अरे भाई ले रहे ना, ले रहे ना, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। तो वो वॉचमैन भैया थोड़ा गुस्सा कर रहे थे, कह रहे थे उनकी गाड़ी जो हमारी गाड़ी है वो गेट के सामने लगी हुई है इसके लिए। तो चलते हैं पहले शाहरुख खान के घर के पास थोड़ा, और उसके बाद में फिर चलेंगे फाइटर प्लेन के पास, वहाँ पे रेखा जी का घर है और जॉनी इब्राहिम का घर है। तो ये है बैंड स्टैंड, राइट साइड में शाहरुख खान का घर है, जो कि सब लोग सेल्फी क्लिक कर रहे हैं और आप सभी को भी थोड़ा सा दिखाते हैं। हालांकि और ये जो बिल्डिंग है ये तो बहुत सारी सीरियल में आ चुकी है, तो यहाँ पे गाड़ी कहीं साइड में लगाते हैं और आप सभी को शाहरुख खान का घर दिखाते हैं। शाहरुख खान का बंगलो है, अभी सामने चलेंगे गेट के पास में। और ये है बैंड स्टैंड जो कि उनके बंगलो के बिल्कुल सामने, देखिए लहरें मस्त आ रही हैं समुंदर की, और यहाँ पे सब लोग आते हैं बैंड स्टैंड घूमने के लिए। थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ पे बैंड स्टैंड, बहुत अच्छी जगह है, मतलब घूमने के लायक बहुत अच्छी है। चलते हैं शाहरुख खान के घर के पास में, ये सामने है, ये देखिए शाहरुख खान का बंगलो सामने। ओके, और ये लोग सब देखिए सेल्फी क्लिक कर रहे हैं, जूम करके दिखाता हूँ मैं, ये सब मन्नत के पास में सेल्फी क्लिक कर रहे हैं। ओके, तो ये है शाहरुख खान का घर बंगलो। अभी चलते हैं अपन रेखा जी के घर के पास, वहाँ पे फाइटर प्लेन भी खड़ा हुआ है, वो दिखाते हैं चल के। काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि पहली बार देखूंगा, तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ। मेरी गाड़ी का टायर देख लीजिए वापस, मुझे लगता है पंचर होने वाला है, क्योंकि पिछला वाला पंचर मैंने अभी बनवाया नहीं है, तो मुझे बनवाना पड़ेगा। यहाँ से हम सीधा जाएंगे और ये शाहरुख खान के घर के बिल्कुल सामने देखिए, सब बैठने का आराम से पेड़ लगे हुए हैं, आराम से लोग यहाँ बैठते हैं और आराम से ठंडी हवाएं की हवा खाते हैं। और सामने बंगलो भी है शाहरुख साहब का, और ये सीधा हम चल रहे हैं अभी शाहरुख का, सॉरी जॉनी इब्राहिम और रेखा जी के घर की तरफ, वहाँ पे फाइटर प्लेन भी है। तो वो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, मतलब इसलिए क्योंकि पहली बार मैं देख रहा हूँ उस चीज़ को, तो इसके लिए मुझे काफ़ी बस जल्दबाजी हो रहा है कि जल्दी पहुँचूँ मैं। तो बस आप लोग वीडियो एंड तक देखते रहें, बस आ ही गया है, ज़्यादा दूर नहीं है शाहरुख खान का घर रेखा जी का, और सलमान खान का और जॉनी इब्राहिम का ज़्यादा दूर पर घर नहीं है। अभी दिखाता हूँ मैं, ये बैंड स्टैंड ही है पूरा, जब आप यहाँ आएंगे तो आपको पैदल चलते हुए आराम से घूम सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं फाइटर प्लेन देखूंगा और दिखाऊंगा आप सभी को, उसके बाद में रेखा जी का घर और जॉनी इब्राहिम का। फाइटर प्लेन और मैं नजदीक से दिखाता हूँ, और ये फाइटर प्लेन के ऊपर देखिए ये बिल्डिंग है, ये वाली, ये जॉनी इब्राहिम की बिल्डिंग है दोस्तों। जॉनी इब्राहिम सर इसी बिल्डिंग में रहते हैं, और इसके ये है, ये रेखा जी का है बंगलो। ओके,
तो ये बहुत फाइटर प्लेन, मतलब मैं काफ़ी ओरिजिनल है मुझे लग रहा है, तो हाँ ओरिजिनल ही है ये, बट ये पुराना हो गया है तो इसको मतलब यहाँ पे डेमो के तौर पे यहाँ पे खड़ा कर दिए हैं। ठीक है, दिखाता हूँ मैं अभी, ये देखो ओरिजिनल है फाइटर प्लेन, ये पूरा ओरिजिनल है, देखिए ये फाइटर प्लेन अपने इंडिया का है, सुखोई नाम है इसका शायद, मुझे लग रहा है सुखोई इंडियन नेवी और कुछ लिखा है, तो जेट है, जंप जेट फाइटर प्लेन मतलब। ओके, तो ये यहाँ पे बहुत प्यारा है दोस्तों, और ये जॉन इब्राहिम की बिल्डिंग है, वहाँ पे अभी उनकी बिल्डिंग का पेंटिंग का काम हो रहा है। ठीक है, और ये है सवेरा बसेरा जो कि उनका घर है, रेखा जी का। ओके, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, इसके सीधा जाएंगे तो सलमान खान का, लेकिन उतना वो खास नहीं है क्योंकि वो बिल्डिंग में रहते हैं ना, तो इसके लिए इधर सीधा जाएंगे तो सलमान खान का, लेकिन उधर जाएंगे तो हम दिखाएंगे ज़रूर। ओके, तो ये देखिए जॉन इब्राहिम, सवेरा, रेखा जी का, ये अपना फाइटर प्लेन। तो दोस्तों अभी चलते हैं गाड़ी के पास और बुकिंग उठाते हैं, बुकिंग उठाने के बाद में फिर जहाँ जाएंगे तो और आप और भी दिखाएंगे आप सभी को। तो ये फाइटर प्लेन, मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइट देखने के लिए ये फाइटर प्लेन, क्योंकि रियल में है, रियल है तो सामने से इतना बड़ा देख रहा हूँ, और ऊपर देखता हूँ आसमान पे तो बहुत छोटा सा दिखता है ना, तो इसके लिए। Got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. 'Cause my अभी आ गए हैं हम सलमान खान के घर के पास। ये देखिए सलमान खान का घर, इसी बिल्डिंग में रहते हैं सलमान सर, जो कि मैंने बहुत दो ब्लॉग बनाया हूँ, इनका घर दिखा चुका हूँ, वापस आप सभी को दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे भीड़ नहीं पाओगे आप देखने के लिए, ये गेटी गैलेक्सी बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग में रहते हैं सलमान भाई। ये जो खिड़की है ना, यहाँ से मतलब जब निकलते हैं बाहर तो यहीं से आपको देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे लोग बस सेल्फी क्लिक करेंगे और चले जाते हैं। फिर देखिए ये गेटी गैलेक्सी का गेट है, ये वाला, जूम करता हूँ मैं, देखिए ये गेट है गेटी गैलेक्सी का, ये गेट है, सामने जो निकल रहे हैं वो मैडम जी निकल रही हैं। चलते हैं अभी दोस्तों, निकलते हैं यहाँ से। दोस्तों 12:30 बज गया है और एसी मेरी गाड़ी की थोड़ा सा कूलिंग कम करती है दोपहर में, तो अभी मैं सीएनजी डलवाने जा रहा हूँ, यहाँ पे लाइन में लगा हूँ। ये गाड़ी हटेगी तो मेरी गाड़ी सीएनजी के लिए लगेगी, और उसके बाद में फिर नमाज जाएंगे, नमाज के बाद में फिर गाड़ी निकालेंगे। देखिए दोस्तों सीएनजी भरने लगा हूँ, गाड़ी में लग गई है और अभी 2 मिनट में अपनी सीएनजी भर जाएगी, जो कि अभी 310 रुपये की गई है, 15-20 ये अमाउंट है, ये केजी है, पर केजी कितनी केजी जाती है। ओके, इसकी रेट ये है 79 रुपीज़, तो 547 रुपये की गई है, मतलब मुझे इनको 548 रुपये देने पड़ेंगे, और टंकी फुल हो गई है सीएनजी की। जो उस रात में मेरा टायर पंचर हो गया था तो स्टेपनी बनवाना है अभी, तो ये देखिए इसमें इसमें कैसा है, ये टायर पूरा ख़राब है, गाड़ी चलने के टाइम पे पूरी डग 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 हिलती है, तो इसमें देखिए हवा कम है, इसको क्या करूँगा मैं, सीधा स्टेपनी में डाल दूँगा। ये वाला टायर जो है, ये वाला इसको बनवाना है, जो मेन टायर है ये देखिए, ये लेकिन ख़राब हो चुका है पूरी तरीके से, देखिए चलने वाला है नहीं, लेकिन चलेगा जब तक चलेगा, देखिए पूरे तार निकले हुए हैं, चल गया तो चल गया, नहीं चला तो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। दोस्तों अभी 2 बजे हुआ है और यहाँ पे मैं बुकिंग लेकर आया था फिल्म सिटी के पास में, तो यहाँ पे जैसे कि राहुल और अर्जुन शूटिंग लाइन में काम करते हैं ना, जैसे कि राहुल अनुपमा सीरियल में काम करता है और अर्जुन इमली 2 सीरियल है उसमें काम करता है, तो अभी मैंने फ़ोन किया है तो, और उसका भी फ़ोन आया था लेकिन मैंने रिसीव नहीं किया, मैंने कहा था कि मैं आऊँगा फिल्म सिटी तो मिलूँगा, तो अभी लंच टाइम हो गया तो जा रहे हैं इमली के सेट पे, अर्जुन को मिलेंगे वहीं पे लंच करेंगे, उसके बाद में राहुल को थोड़ा मिलेंगे और फिर 3 बजे निकलेंगे वहां से, तो फिर गाड़ी चलाएंगे। अभी कैसे धूप बहुत ज़्यादा है तो गर्मी की वजह से गाड़ी कूलिंग नहीं कर रही है, कूलिंग ना होने की वजह से थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, कस्टमर बैठे होते हैं तो ऐसा हो जाता है कि मतलब थोड़ा चिड़चिड़पना करते हैं, तो इसके लिए तो अभी थोड़ा खाना भी खा लेंगे, थोड़ा रेस्ट भी कर लेंगे और उसके बाद निकलेंगे। तो पहले चलते हैं फिल्म सिटी के अंदर, इमली के सेट पे चलते हैं, इमली का सेट भी आप सभी को थोड़ा दिखा देंगे और खाना शूटिंग का क्या 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 आता है वो भी सब दिखाते हैं।